myself Om Prakash Singh, Director and Founder of Esta Education and Publication House Private Limited. यह इंस्टीट्यूट 2003 नवंबर से रन हो रहा है. 2003 से अब तक लगभग 5000 लड़कों का सिलेक्शन दिया है. NDA, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी का स्पेशलिस्ट कोचिंग सेंटर है. दूसरे जगह से यहाँ एक मेन चीज वो है कि यहाँ फुली रेसिडेंशियल कोचिंग सेंटर है. कोरोना के चलते पहले तो एक रूम में दो बच्चे रखते थे, लेकिन कोविड के बाद एक रूम में एक ही बच्चा रखते हैं. टीचर भी बच्चा के साथ ही रहते हैं, क्योंकि बच्चा और टीचर को बाहर आना जाना नहीं पड़े, इसलिए दोनों को रेसिडेंस ही रहना पड़ता है. दूसरी बात यह है कि हमारे देश के पूरे देश के कोने कोने से बच्चे आते हैं. अंडमान निकोबार हो, असम सेक्टर हो, कलकत्ता हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, बिहार हो, सारे जगह से बच्चे आते हैं. भिन्न भिन्न भाषाओं के जानने वाले बच्चे आते हैं. दूसरे जगह से क्या है यहाँ कि हमारे जो टीचर हैं वो बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं. टीचर के साथ साथ स्टडी मटेरियल भी मेरा बाइलिंगुअल है. बाइलिंगुअल मीन्स क्या होता है कि एक बुक, मान लिया कि कोई एक मैथ का बुक है, अगर कोई चैप्टर का 25 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश में है तो वही हिंदी में 25 नंबर क्वेश्चन होगा. ऐसा स्टडी मटेरियल पूरे भारत के किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं है. लोग क्या करते हैं, इंग्लिश का कुछ, हिंदी का कुछ, जिससे क्या होता है कि रिजल्ट पर प्रभाव पड़ता है. दूसरी बात, टीचर का 24 आवर्स रहने से क्या मतलब होता है कि जो टीचर 24 आवर हमारे यहाँ रहते हैं, अगर बच्चा को 10 बजे रात को डाउट है तो उसी समय देन एंड देयर उनका डाउट क्लियर होता है. इससे क्या होता है कि बच्चा को उसका वेट नहीं करना पड़ता कि दूसरे दिन जो टीचर आएंगे, फिर तीसरे दिन पढ़ाएंगे, फिर वो चैप्टर को फिनिश करेंगे. तो दूसरे जगह से ये हमारे फायदे हैं.